गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमिता दहाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो जो आप लोगों लेके आए वो है मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल वीडियो। तो अभी काफ़ी सारे फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोग लेकर अफोर्डेबल सा कुर्ता सेट लेके आऊँ जो कि आपके ऑफिस, कॉलेज और नवरात्रि पूजा के लिए परफेक्ट होने वाले हैं। तो बिना देरी के अपना हॉल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की आने की वीडियो की नोटिफिकेशन को टाइम से मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जो मेरा फर्स्ट कुर्ता सेट है उसको दिखाने में काफ़ी एक्साइटेड क्योंकि उसका जो नेक है ना मुझे सबसे अच्छा लगा है और इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, मैं अभी बताऊंगी क्या है वो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये एक रेस नेक लाइन बनी हुई है जिसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग दी हुई है। ये बॉर्डर फ्लावर बॉर्डर बना हुआ है और ये लेस दिया हुआ जिसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी, बहुत क्यूट सी है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है लेस की और फैब्रिक मैंने 100% कॉटन है ये वाली फैब्रिक। और इसका जो स्लीव है वो 3/4 स्लीव है। स्लीव में भी आपको इससे बॉर्डर मिलेगा और इस सबसे लेस मिलता है जो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी से फिनिशिंग है, कहीं से कोई थ्रेड वगैरह नहीं निकला है और ओवरऑल इस तरह का मिलेगा। और इसमें स्लीव में ना आपको थोड़ा जो बटरफ्लाई स्लीव होता है उस टाइप का, ये थोड़ा सा चौड़ा स्लीव है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल इसी तरह का प्रिंट बना हुआ है कुर्ती में, बैक में भी और फ्रंट में भी। एंड जो इसका पैटर्न है ना स्ट्रेट लाइन पैटर्न है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका प्लस पॉइंट बताओ क्या है, इसमें आपको पॉकेट्स मिलने वाला है। इस कुर्ती में पॉकेट्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पॉकेट्स वाली कुर्ती ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका पॉकेट। तो पॉकेट्स वाली कुर्ती मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप बताओ कि आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती, कमेंट करके मुझे बताना। उसका मैं आपको बॉटम दिखाती हूँ। तो एंड इसका बॉटम है, इसमें आपको प्लाजो मिलने वाला है। तो ये है, ये व्हाइट और ग्रीन कलर में जो कि बहुत सुंदर कंट्रास्ट कलर में मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रंट में आपको इसे बेल्ट मिलेगा, बैक में आपको इससे इलास्टिक मिलेगी। इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी आपको पॉकेट्स मिलने वाली है, दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिलेगी। पॉकेट्स की तो बात ही अलग होती है। तो पॉकेट्स मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, या पैंट में मिले या सलवार में मिले किसी में मिले मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैंट और फैब्रिक किसी कॉटन मटेरियल में ही है और इसमें भी सबसे मेन बात पता है क्या है, प्लाजो के नीचे भी आपको इस तरह से लेस का वर्क मिलेगा जो बहुत सुंदर है। ये फ्लावर वाला लेस है और ये जो आपकी बॉटम कुर्ती में थी वही वाला लेस लगा है जो कि काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर पीस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है वो भी कॉटन मटेरियल में है। इसका जो दुपट्टा है वो आपको दिखाती हूँ मैं, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे में भी ओवर इसी तरह ग्रीन कलर का फ्लावर हो रखा है पूरा का पूरा। और इसकी जो लेंथ है दुपट्टे की वो भी बहुत अच्छी खासी लेंथ है, बहुत ओवरऑल पूरा इसी तरह का प्रिंट हो रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो बॉर्डर में ये जो छोटे छोटे वर्क होकर बहुत अच्छा लगा है और ये इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो ये भी दुपट्टा बहुत अच्छा, ओवरऑल पूरा सूट कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका जो प्राइस और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, स्क्रीन पे भी दे दूंगी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट कुर्ता सेट की और। मेरा ये इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था तो मैं दिखाती हूँ। ये है कुर्ती जिसमें इस तरह से आपको चाइनीज कॉलर का नेक मिलेगा, पाइपिंग बनी हुई है जिसमें बटन्स बने हुए और साथ में एक ये टसल मिल रहा है ब्लू कलर का जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ओवरऑल इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, प्रिंट बना हुआ है इसमें फ्रंट में एंड बैक में। और इसका जो स्लीव है वो भी 3/4 स्लीव है और इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ स्लीव में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये मंगाया मीडियम साइज़ में जो मुझे थोड़ा सा लूज़ है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो कॉटन प्लस में पॉलिस्टर है, बट थोड़ा सा मोटा है तो विंटर्स के लिए अभी परफेक्ट है। तो बहुत अच्छा, इसका मैं बॉटम दिखाती हूँ आपको। एंड इसमें भी आपको प्लाजो मिलने वाला जो कि इस कलर में है और इसका प्रिंट बना हुआ है जिगजैग में। और इसमें जो इलास्टिक मिलने वाला दोनों साइड, इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इससे तो पूरा लेंथ है, बेसिक सा है पर इसका जो डिज़ाइन बना हुआ प्रिंट बना हुआ वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका सिंपल सा कुछ है नहीं, इसमें पॉकेट्स भी नहीं है, बट ठीक है, बट अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। और अभी पूजा वगैरह के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए ये बहुत एक कैजुअल तरह से आपका लुक क्रिएट करने वाला है। आप इसके साथ थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह वेयर कर लोगे तो परफेक्ट लगेगा ये कुर्ता सेट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका दुपट्टा दिखाती हूँ,
तो ये है उसका दुपट्टा जिसमें इस तरह से पूरा वर्क हो रखा है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। छोटी छोटी चीज़ ऐसे वर्क हो रखा है, फ्लावर बने हुए, छोटे छोटे पिंक और ब्लू और पर्पल कलर में बने हुए थे, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और आपको इसमें ना नीचे बॉर्डर में इस तरह से जिगजैग बना हुआ पिंक कलर में, जो काफ़ी अच्छा लगा, ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो थोड़ा सा कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है, जो काफ़ी सॉफ्ट कर रहा है आपके दुपट्टे को। तो ओवरऑल दुपट्टा अच्छा है, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे कुर्ता सेट अच्छा लगा। नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये पिंक कलर की चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कुर्ती, जो ये काफ़ी अच्छी लगी है। राउंड नेक पे दिया गया है और इसका जो वर्क है पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत अच्छा है। और ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगाया है और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट में है, बट इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है पॉलिस्टर का, जो कि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल में है, तो आपको बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है, तो बहुत अच्छा है। ओवर इसी तरह का पूरा फ्रंट में भर भर के एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और फिनिशिंग डिटेलिंग बहुत अच्छी, कहीं से कोई थ्रेड नहीं निकला हुआ है, तो बहुत अच्छे से वर्क को काम हो रखा है। और तो जो स्लीव है 3/4 स्लीव मिलने वाला है, और स्लीव में भी इस तरह से पूरा वर्क हो रखा है, दोनों स्लीव में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और प्लेन है नीचे से, आपको बॉर्डर में सबसे एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली, जो काफ़ी अच्छी लगती थी, कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए तो परफेक्ट है ही। और इसका जो बॉटम है, मैं आपको वो दिखा, जो इसका बॉटम है इसमें आपको प्लाजो मिलने वाला है, प्लाजो की इलास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, इसे प्लेन पिंक कलर का ही मिलेगा ये इस तरह का। और इसमें भी अस्तर लगा हुआ है नीचे की, और तो अस्तर की क्वालिटी अच्छी है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, तो बहुत अच्छा पीस है ये। पिंक और ब्लू कलर में मैंने मंगाया है, जो काफ़ी सुंदर कलर है। और इसमें दिखाती हूँ कुर्ती में आपको, तो ये है कुर्ती जिसमें आपको सिर्फ चाइनीज़ कॉलर बने मिलेगा और पाइपिंग बनी हुई है फ्रंट में पिंक कलर की, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो कॉटन और पॉलिस्टर है, बट अच्छा है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा मोटा है, तो विंटर्स के लिए परफेक्ट होने वाला है। और इसी तरह से ओवरऑल प्रिंट बना हुआ है फ्लावर, और ये डायमंड शेप में जो डिज़ाइन बनी है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पिंक कलर में। इसका जो स्लीव है 3/4 है, और इसमें जो ये बॉर्डर बना हुआ ना, काफ़ी सुंदर कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन पिंक वाइट मिक्स, तो समर वाली वाइब दे रही है, बट बहुत अच्छी भी लगेगी पहनने पे, भी थोड़ा सा फ्रेश 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 वाला फील आएगा। ये कलर्स देख के ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सभी कलर्स, तो ये है। और इसकी जो पैटर्न है वो स्ट्रेट पैटर्न है, तो इस तरह का है, मुझे थोड़ा सा लूज है बट चलेगा, तो मैं अल्टर करा लूँगी, या फिर ऐसे लूज में पहने, आजकल तो जीन्स के साथ पहनो तो बहुत अच्छा लगता है लूज लूज सा, तो मैं उससे वेयर कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छा पीस है ये। और इसका मैं बॉटम दिखाती हूँ आपको, ये है बॉटम जिसमें बहुत सुंदर से इस तरह के फ्लावर बने हुए, जो काफ़ी सुंदर लगते हैं, छोटे 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 से बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इस तरह से है। और ये है इलास्टिक, जो कि इलास्टिक क्वालिटी अच्छी है, अच्छी खासी क्वालिटी है, और इस तरह पूरा ओवरऑल पैटर्न बना हुआ है, प्रिंट बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो लेंथ भी अच्छी है प्लाजो की, तो यही है। इसमें भी आपको पॉकेट्स नहीं मिलने वाला है, तो इसका जो दुपट्टा है वो मैं दिखाती हूँ, एंड ये है उसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, और इस दुपट्टे में एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें ने बड़ा सा फ्लावर बना, जो काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको अगर पीछे से आप स्टाइल करोगे तो ये फ्लावर बहुत सुंदर लगने वाला है, बहुत सुंदर, इस तरह छोटे छोटे सी फ्लावर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। इसका फैब्रिक भी थोड़ा कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है, पर सॉफ्ट में है, तो इजीली कैरी कर पाओगे आप, तो बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन। तो मेरा मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कौन सा कुर्ता सेट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो कि फेस्टिव आउटफिट्स के ऊपर होंगे, और ये मैंने सिर्फ अभी ऑफिस और कॉलेज और पूजा से रिलेटेड मैंने ये कुर्ता सेट आप लोग के लिए लेके आई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।